ऐसे के ब्लंडर होते हैं मेरे साथ। ऊपर भी यहीं से जाना है, बाइक्स भी वहीं से आ रही हैं और वो बहुत स्लिपरी है यहाँ पे। कौन सा है उधर जाना, ये बाइक्स की है। वो ट्रेन से डरेगा ना, इसलिए वो फटाफट निकालेगा। अब आपको एक जगह दिखाते हैं जहाँ पर बोट्स गाड़ियाँ लेकर के आ रही हैं, लोग बीच में ही बैठे हुए हैं। खेल किसके साथ रहा है वो? अच्छा रस्सी भी खोल रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम आए हैं चक निज़ाम, जो कि है ज़िला मंडी बाउद्दीन में और मलकवाल से ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर्स के फासले पर। इस जो हिस्टोरिक इसकी स्टोरी कह लें या इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि यहाँ पर एक बहुत फेमस ब्रिज है। ये ब्रिज जो है ये मंडी बाउद्दीन को जोड़ता है झेलम से और ये सीधा जाता है सॉल्ट रेंज की। दूसरी इसकी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर गाड़ियों को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए एक स्पेसिफिक बोट टाइप, एक बेड़ा कह लें, उसका यूज़ किया जाता है जिसके अंदर वो गाड़ियों को लोड करके दूसरी साइड पर लेके जाया जाता है। आज हम आपको वो भी दिखाएंगे और आपको हम ये फेमस ब्रिज भी दिखाएंगे जो 1887 में ब्रिटिश राज के टाइम पर ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था और इस ब्रिज का नाम है विक्टोरिया ब्रिज। क्योंकि ये ब्रिज ब्रिटिश राज एरा में बिल्ड किया गया था, इसलिए इस ब्रिज का नाम भी उस टाइम की क्वीन विक्टोरिया की मुनासिबत से ही रखा गया है। तो आज के व्लॉग में हम आपको ये ब्रिज भी दिखाएंगे और वो बेड़ा जो गाड़ियों को एक गांव से दूसरे तरफ लेकर के जाता है वो भी दिखाएंगे। यहाँ से उतर जाएंगे ना? चलो पहले मैं जाऊँ, ट्रेन आ गई है। ऐसे के ब्लंडर होते हैं मेरे साथ। जी बोली, ध्यान से आई क्योंकि बहुत अनबैलेंस है। चल ऊपर भी यहीं से जाना है। स्लोप है, सीढ़ियां नहीं है। बाइक्स भी वहीं से आ रही हैं और वो बहुत स्लिपरी है यहाँ पे। ध्यान से, स्लिपरी है। पैदल के लिए वो कह रहे हैं उधर जाने, ये बाइक्स की है। चलो एक सेकंड मुझे निकल जाए। पैदल कहाँ से जाना है? इधर से मैंने पकड़ा है इसको। नीचे देख के उतर बस। किधर से जाना है? तो लोग तो यहीं से आ रहे हैं। बाइक का और पैदल का एक ही रास्ता है, वो भी तो जा रहे हैं। अब आपको एक जगह दिखाते हैं जहां पर बोट्स गाड़ियां लेकर के आ रही हैं। अगर हम नीचे पहुंच के खैर खैरियत से तो ही दिखा पाएंगे ये बात। ये देखें, जूम करते हैं इसको।
यहाँ पैदल जाने वालों के लिए भी सहूलत मौजूद है, बाइक्स पे जाने वाले के लिए भी सहूलत मौजूद है, लेकिन ये जो गाड़ियों वाला सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और लोगों को बहुत बहुत देर यहाँ पर वेट करना पड़ता है कि ये आएंगे और यहाँ से गाड़ियों को लेकर के जाएंगे। मेरी एक हुकूमत वक्त से अपील है कि यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए, जो कि डिमांड भी है और इनका एक हक भी है। यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाए ताकि ये वाला मसला भी हल हो, टाइम का भी बचत हो और लोगों के लिए आसानी हो। ये अनलोड कैसे करेंगे गाड़ियाँ स्टार्ट? और लोग बैठे हुए बीच में, लोग बीच में ही बैठे हुए हैं गाड़ियों के, और वहाँ जाके गाड़ियाँ उतारी होगी। इधर से तो ना सही नज़र नहीं आएगा, आगे आ जा यार, थोड़ा ज़ूम करते हैं। इनको डर नहीं लगता? थोड़ा पॉज करती हूँ ना, निकाल रहे धीरे धीरे, उन्हों को गाइड कर रहे हैं। लेकिन ये सब यहाँ के तकरीबन लोकल लोग हैं, नहीं निकल रही उससे, निकल जा रहे हैं, नहीं निकल रही उससे। अच्छा वो करवा रहे रिवर्स। ये कितनी देर से खड़े हैं बेचारे यार, क्या लाइफ है, निकाल लेगा ये। उई निकाल ली, निकाल ली, उधर निकल गई, इधर निकलेगी, उधर निकलेगी, इधर निकलेगी। चल बंद कर दो बगी, मट्टी में होता ना वोल्टा करके लटाएंगे, नहीं इसी तरह रखेंगे। ये ज्यादा आसान काम है, ये सबसे आगे लगेगी। गाड़ियाँ ज्यादा हैं, सारी थोड़ी जितनी लग सकती है उसमें लगाएंगे। ओ उसमें वो भी है, जगह भी बनी हुई अंदर, इसका मतलब है काफी डीप है। लेकिन इससे गाड़ी का नुकसान तो होता ही होगा। इधर करीब तो आना, वो ट्रेन से डरेगा ना, इसलिए वो फटाफट निकालेगा उसको। निकल जाएगा, वो घोड़ा है, वो तो घोड़ा नहीं है, निकल गया। ये खतरनाक है ना, कुछ जानवर आ रहा हो, ट्रेन आ जाए। नहीं लग सकती, मैंने पहले कहा था नहीं लग सकती है। ये फिर घंटा खड़ा होगा, दो घंटे नहीं लगेगी, पागल। उन्होंने लोगों को भी लेके जाना है, कोई हिसाब होगा कि इतने से ज्यादा नहीं डाल सकता वेट। उतार रहे हैं, जाने लगे हैं। देखो बच्चा तो बच्चा है, चाहे डोंकी का हो, वो देख खेल किसके साथ रहा है, खुद ही लगा हुआ भागने, क्यूट लग रहा है, नहीं खेल रहा, वो डॉगी को देख के भागता है, वो देख वो उस डोंकी के साथ खेल रहा है, वो डोंकी बंदा है, वो देख वो भी वहां से जाता है, लेकिन खेल रहा है। अच्छा रस्सी भी खोल रहा है साथ, रस्सी भी खोल रहा है। आज का हमारा व्लॉग होता है यहीं पर खत्म, आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।